हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। सो गाइस, मैं रीना कुट्टी आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे चैनल रॉ रिएक्शन पे एक बार फिर से। सो वेलकम बैक गाइस। देन आज फिर हमें, जैसे कि पता है हमारे अमित भाई कितने ज्यादा यू नो हार्ड वर्किंग है, तो उनका एक और गाना आ गया है। जब मैं वीडियो बना रही हूँ उससे 2 घंटे पहले सॉन्ग आ चुका है, भला करे राम बाय बीरू कटारिया। या मैंने उनका काम अभी तक, मतलब मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस रहेगा, मैंने अभी तक यू नो सुना भी नहीं था उनका नाम। सो देखते कैसे क्या सॉन्ग रहने वाला है। लेकिन सिंगर वो किस किसने साथ में गाया या भाई ने अकेला गाया वो तो अपग्रेड्स में देख ही लेंगे कैसे क्या रहने वाला है। लेकिन सॉन्ग का नाम है भला करे राम और भाई बाय अमित सैनी रोहतकिया, इज अ मेन सिंगर, इतना मैं जानती हूँ। तो चलो फटाफट देखते हैं और सुनते हैं गाना कैसे क्या दिया भाई ने। एक और सॉन्ग अभी विवाद 3 के चर्चे खत्म भी नहीं हुए हैं और अभी तो होंगे भी नहीं, विवाद 3 अभी चलेगा, बहुत चलेगा देखना। लेकिन एक और धमाका कर दिया भाई ने, तो चलो फटाफट देखते हैं सॉन्ग को, सुनते हैं कैसे क्या रहने वाला है, लेट्स गो। चलो गाइस फटाफट करते हैं वीडियो स्टार्ट। लेकिन पहले हम लोग देखेंगे एक रील, जैसे कि हम हर वीडियो में देखते हैं। एंड या गाइस एक बात और मैं बताना भूल गई, ओरिजिनल वीडियो का लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अगर आपको मेरी ये वीडियो या ये सॉन्ग विदाउट मेरे रिएक्शन देखना है, सुनना है, तो मैं हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका ओरिजिनल वीडियो का कंटेंट, उसका जो लिंक है वो छोड़ देती हूँ। आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके उसके ओरिजिनल कंटेंट पे जा सकते हैं। सो फटाफट देखेंगे क्रेडिट्स। प्रेजेंटेड बाय स्पीड रिकॉर्ड सरयानी प्रेजेंट, ओके सॉन्ग भला करे राम, ओके सिंगर अमित सैनी रोहतकिया, ऑलराइट एंड फीचरिंग बाय बीरू कटारिया एंड मुस्कान, ऑलराइट। मतलब एज अ एक्टर, मतलब सिंगर तो भाई, मतलब अमित सैनी भाई ने अकेले सिंगिंग की है सॉन्ग के अंदर, और जो फीचरिंग जो एक्टर में है वो है उसमें है बीरू कटारिया एंड मुस्कान, ऑलराइट। एंड लिरिक्स बाय केपी कुंडू एंड पिंटू पावरा, अरे वाह, अभी 2-3 दिन पहले यू नो सॉन्ग आया था गाइज इनका, मैंने उसमें भी रिएक्शन किया है, आपको यू नो उसमें मिल जाएगा, मेरे चैनल पे विजिट करना, क्या बेहतरीन गाना दिया था उन्होंने। और इसमें भी लिरिक्स है, मतलब वोटा कोलैबोरेशन काफी धमाकेदार, यू नो क्रेडिट से ही पता लग रहा है, क्रेडिट से ही पता लग जाता है कि सॉन्ग में कितना दम होगा, तो इससे पता लग रहा है कि सॉन्ग अच्छा हो जाने वाला। म्यूजिक बाय JR, ऑलराइट एंड DOP बाय रोहित के अनरावल, ओके। सो गाइज ये थे क्रेडिट्स, इम्पोर्टेंट, तो फटाफट देखते हैं सुनते हैं गाना, लेट्स गो। स्टोरी बेस्ड होने वाला है सॉन्ग, इंटरेस्टिंग। क्या हो गया बाबू, के बात होगी, न्यू क्यों कर बैठे हो? अरे मुस्कान भी ना दिख रही, उड़ गई तेरी मुस्कान, अरमारी भी लेगी। झूठी बाजू वाहन बिक गई, देख गहना भी सगई वाहन बिक गई, गोली चल बिन पिए वो भला करा रहा मुस्कान, चलने बिना पिए, ओके भला कर राम उसका मुस्कान बेवफा, ये अमेजिंग बीट रही है ना, बेसिक से ब्रेक हुआ है बैम के पी भिंटू फिर कवागी फलाना बेवफाई कर गया पापड़े में बाणिया की सड़गी उतार बिंटू की सड़ागी बिगना दवाई मर गया जी सड़ागी बिगना दवाई मर गया और मुझे नहीं लगता अमित भाई की आवाज की तारीफ करने की जरूरत है, वो अपने
अपने आप बता रही हूँ उन्होंने कैसा गाया है। बीट्स अच्छी है काफी ज्यादा, वैसे भी ब्रेकअप सॉन्ग है लेकिन ना लाइक बढ़िया है। अमेजिंग स्टोरी लाइन, अमेजिंग। भैया जी दीदी जी तो इन्होंने धोखेबाज निकली, वो तो ऑलरेडी फ्रॉड थी, लेकिन गाना मुझे बहुत बढ़िया लगा जैसे कि मुझे उम्मीद थी, और क्रेडिट्स देख के जैसे कि मुझे लग ही गया था सॉन्ग वॉज अमेजिंग। मुझे नहीं लगता इन्होंने सॉन्ग की तारीफ करने की जरूरत है क्योंकि सुनने से आप लोगों को पता ही लग गया होगा कि किस तरीके की का सॉन्ग है ये, अमेजिंग, मजा आ गया। तो गाइज दिस इज अ सॉन्ग भला करे राम बाय अमित सरी रोहतकिया, प्रोड्यूस बाय स्पीड रिकॉर्डर हरियाणवी। अमेजिंग सॉन्ग, अच्छा लगा मुझे गाना। लेकिन मैं एक बात कहूंगी, यू नो दो कमियां लगी मुझे सॉन्ग के अंदर। आपकी बात मुझे लगा कि यू नो एक जो स्टोरी लाइन थी वो काफी ज्यादा प्लेन और सिंपल थी इसके अंदर, यू नो, और स्पाइस अप हो सकती थी स्टोरी लाइन क्योंकि एक काफी सिंपल सी स्टोरी लाइन ले रखी इसमें, यू नो, एक लड़की वो फ्रॉड करके भाग गई, मतलब स्टोरी लाइन काफी ज्यादा वो थी। लेकिन सिंगिंग एंड मतलब ज्यादा जोर सिंगिंग का ही और लिरिक्स का ही था भाई गाने में। सही बताओ उनका काम बढ़िया था, उनका अमित सैनी का मतलब यू नो नाम ही आ गया तो भाई गाना तो अमेजिंग होने ही वाला है। लेकिन मुझे ये लगा गाना छोटा है, यू नो आप लोगों को लगा या नहीं लगा, लेकिन मुझे लगा कि और गाना हो सकता है क्योंकि मैं और ज्यादा सुनना चाहती थी भाई की आवाज, लेकिन थोड़े में ही निपटा दिया, पता नहीं क्यों मुझे लगा ऐसा कि यू नो गाना छोटा है। लेकिन गाना बहुत बढ़िया लगा, मुझे अच्छा लगा, लिरिक्स पे भी काफी अच्छा काम किया गया, और भाई ने आवाज दे गया तो यू नो कहते हैं तोड़ फाड़ दिया वो बिल्कुल सही बोलते हैं वही, मतलब अमेजिंग यार, व्हाट अ कोलैबोरेशन, लिरिक्स एंड यू नो सिंगिंग में कोई कमी नहीं थी। लेकिन मुझे थोड़ी बहुत उसमें लगी भाई स्टोरी लाइन और अच्छी हो सकती थी, मतलब बिल्कुल प्लेन कर दी स्टोरी लाइन जिस तरीके से, मतलब वो भाई दारू की बोतल लेके उसमें मुझे लगा अच्छा खासा हंगामा हुआ, शायद वो मिल भी जाएगी, ऐसा कुछ स्पाइसअप कर सकते थे स्टोरी लाइन के अंदर, लेकिन किया नहीं। बट दैट्स ओके, हमारे भाई अमित सैनी ने ही उसमें यू नो सारी कमी बार पूरी कर दी अपनी आवाज दे के। लेकिन गाना थोड़ा छोटा लगा जैसे मैंने अभी बताया आप लोगों को, पर जितना था बढ़िया था, मस्त था, मजा आ गया गाना सुन के। आप लोगों को कैसा लगा और आप लोग मेरे साथ इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ भी कर देना कि भाई मैं बहुत छोटी, मुझे नहीं पता अभी, यू नो अभी मैं सीख रही हूँ, आई कीप लर्निंग, और आप लोग देते भी अपने फीडबैक और कहीं कुछ कमी लगती तो आप बताते भी, थैंक यू सो मच, क्योंकि आप ही फैमिली हो मेरी, आप लोग नहीं बताओगे तो कौन बताएगा। इट्स ओके, अगर आप लोगों को अच्छा लगा वेरी गुड, अगर वैसे तो अच्छा लगेगा लेकिन मैं अपने रिएक्शन के बारे में पूछ रही हूँ, अगर आपको मेरे रिएक्शन वीडियो अच्छे लगते हैं देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज, एंड या गाइस कीप सपोर्टिंग, लव यू गाइस, मिलते हैं अगली धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गाइस गुड बाय।